Hey guys, subscribe and press the bell icon for more updates. नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ऐसी मूवी की जो हाल ही में रिलीज हुई है। हम बात कर रहे हैं मंटो मूवी की। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मूवी का रिव्यू कैसा है। ये मूवी सदत हसन मंटो फिल्म लाइफ पे बेस्ड है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है नंदिता दास। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि दर्शकों को ये मूवी कैसी लगी। हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है जिन्होंने अभी अभी मूवी देखी है। तो आपने मंटो देखी, आपको कैसी लगी मूवी? मैंने देखी है बट मैं थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पाया मूवी से, क्योंकि थोड़ी पुराने एरा की मूवी थी ये। और इसके बारे में सुना तो था पहले कि ये आई थी, यहाँ अभी इस टाइम रिलीज़ हुई है काफ़ी टाइम बाद, सो कनेक्ट करने में मुझे दिक्कत हुई। और थोड़ा पुराने एरा की भी है तो समझने में थोड़ी दिक्कत हुई। और मंटो के बारे में क्या आपने पहले सुना था? पहले तो नहीं सुना था, ये अभी जो प्रमोशन हुआ उसी के दौरान सुन पाया, नहीं तो इसके पहले कोई नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। आपको मंटो की मतलब बायोग्राफी एक तरीके से समझ में आने में प्रॉब्लम हुई? हाँ, ये तो है, समझ में आने में प्रॉब्लम हुई जो मूवी में दिखाया गया, और इसके बारे में इतना सुना भी नहीं था। बाद में पता चला कि ये काफ़ी फेमस मूवी है, बट अभी देखा हूँ तो एक दो बार और शायद देखने में समझ में आ जाए। क्या आपने मंटो मूवी के बारे में सुना है? हाँ, मंटो मूवी के बारे में एक्चुअली मैंने सुना है। क्या आपने उसे देखा? नहीं, अभी तक नहीं देखा। ऐसी क्या वजह है कि आपने उसे देखा नहीं? वो मूवी एक्चुअली मैं लिटरेचर से थोड़ी मतलब रिलेट करती है और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट लिटरेचर से अलग है, तो मैंने इसलिए मूवी अब तक देखी नहीं। तो मैम, आपको मूवी कैसी लगी? मंटो मूवी मुझे तो बहुत पर्सनली अच्छी लगी, क्योंकि मंटो मेरे वन ऑफ द फेवरेट राइटर्स में से एक है, सदात हसन मंटो, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे। लेकिन मेरा एक सुझाव रहेगा कि अगर कोई मंटो देखने जा रहा है तो पहले मंटो को पढ़ ले, क्योंकि स्टोरी मतलब मूवी जब स्टार्ट होती है तो उसमें उनके छोटे छोटे स्टोरीज भी हैं, तो जब तक मंटो को आपने पढ़ा ना हो तब तक उन कैरेक्टर्स को आप नहीं समझ पाओगे, पहली बात। दूसरी बात कि नंदिता दास ने इसे बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया है, मतलब 30s में बॉम्बे और इंडिया कैसा था वैसा दिखाने की कोशिश की है, साथ में उस वक्त के लोकल ट्रेन्स और इंडिपेंडेंस एरा और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मंटो ने बहुत बहुत कुछ लिखा है और उस चीज़ को शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत बखूबी उनके रोल को निभाया है और बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और दूसरी बात कि मंटो का जो वो रफ्तार वाला रैप है ना, सच में उसको डालना बहुत ज़रूरी था। लेकिन एक चीज़ निराशाजनक थी कि जब हम हॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि पीछे की कुछ चुनिंदा सीटें भरी थी, आगे की हाँ काफ़ी दर्शकों ने इसको मतलब पसंद नहीं किया देखना। इसका मुख्य कारण क्या है? इंटरेस्ट। आजकल के जो युवा हैं वो शायद द हाफ गर्लफ्रेंड देखने ज़रूर गए थे, टू स्टेट्स देखने ज़रूर गए थे, लेकिन उन्हें मंटो नहीं देखना था क्योंकि शायद मंटो बहुत मतलब ऐसी पुरानी लाइटिंग और पुराने जैसे वाली मूवी है जो शायद लोग अब नहीं पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें एक बार ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मंटो से ही दूसरे लोगों ने लिखना सीखा। मंटो का जो बेबाक नज़रिया था समाज को लेके और कुछ भी लिख देना जैसा है समाज वैसा लिखना, ऐसा बहुत कम होता है, तो मंटो को देखना लोगों को ज़रूरी है। आपने मंटो के बारे में पढ़ा होगा? मैंने मंटो को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इस मूवी को तो आप कुछ बताना चाहेंगे मंटो के बारे में? मंटो एक, मैंने पहले भी बोला ना कि साहित्य के बारे में, हाँ, मंटो एक ऐसे लेखक थे ना जो अगर उनकी लघु कथा भी होती थी ना छोटी सी, तो उसमें वो 5-6 लाइन में ही आपको एक सामाजिक कुरीति से दिखा देते थे, रूबरू कराते थे। दर्शकों से बात करने के बाद हमें ये बात पता चली कि कुछ ऐसे युवा हैं जो मूवी देखने के बाद भी उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें मूवी देखने का मन ही नहीं किया। साहित्य, हिंदी साहित्य को जिंदा रखने की ये जो कोशिश थी, हम चाहते हैं कि ये पूरी हो और हमारी आपसे गुजारिश है कि आप मंटो मूवी को ज़रूर देखें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जी हाँ, ये शब्द है निर्भया की माँ आशा देवी के।